हाय डियर फ्रेंड, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो कुछ बच्चों ने ये मैसेज करके दिए हैं, तो आज उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें क्वेश्चंस में क्या बोला है, मोमेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे उसके मोमेंट क्या होते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद क्वेश्चंस को कर रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो ये अगर कोई इस प्रकार से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों तो उसके मोमेंट क्या होंगे, और ये अप्लाइड मैकेनिज्म के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चंस क्या हैं, फिर उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। और हमारे बीच में दिवाली भी आ रही है, तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं। तो आ जाइए हम सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। फोर्सेस 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन एक्ट अलोंग द साइड्स BC, BA, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली ऑफ स्क्वायर ABCD। इट मींस क्या है, ये स्क्वायर है। देखिए मैं स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर बना दिया। और इस पे ये कैसा A, नीचे से कर देते हैं A, जस्ट वन मिनट, ABCD ऐसे कर दिया। कोई आप कैसे भी रख सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ABCD के क्रम में होना चाहिए, ठीक है। ये ABCD मैंने लिख दिया। उसके बाद से क्या कह रहा है कि BC, जो BC लाइन है, ये BC उस पे 5 न्यूटन है। BC मतलब इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला है, BA, B to A डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला है, 20 न्यूटन किस पे है, CD, C to D डायरेक्शन में 20 न्यूटन है, सॉरी 15 न्यूटन है, ठीक है। और D to A डायरेक्शन में कितना है, 20 न्यूटन, ठीक है। ये इस प्रकार से है, स्क्वायर है। आल्सो अ फोर्स 5√2 न्यूटन, एक 5√2 न्यूटन भी लग रहा है, किस पे, एक्ट अलोंग द डायगोनल CA, C to A, ये ऐसे डायरेक्शन पे 5√2 न्यूटन का फोर्स भी लग रहे हैं, ठीक है, CA पर। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द कॉर्नर बी, इस बी पर क्या मोमेंट आएंगे, ठीक है, इस बी कॉर्नर बी पर समय रिजल्टेंट मोमेंट क्या आएंगे, फोर्सेस अबाउट द कॉर्नर बी व्हेन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 मीटर। जो भी साइड है वो सब क्या है, ये जो साइड है वो 2 मीटर के है, और स्क्वायर है तो सभी साइड क्या होंगे, 2 मीटर ही होगा, ठीक है, सभी साइड क्या होंगे, 2 मीटर ही होगा। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मोमेंट होता क्या है। मोमेंट के लिए मैंने बताया है कि जो मोमेंट होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए, तो उस पॉइंट के लिए जो मोमेंट होता है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा हो और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट, जो पॉइंट पे हमें मोमेंट चाहिए वहां से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कितने फोर्स है जिसका, जो 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 फोर्स है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक फोर्स दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर बी तक है, ये डिस्टेंस होगा 2 मीटर दिख रहा है। फिर ये एक फोर्स है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन तो इसी पर है, देखो ये कॉर्नर पर ही है, ये 5 न्यूटन भी इसी लाइन पर ही है, तो यहाँ से इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं, ये लाइन पे इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये लाइन का इस पॉइंट से कोई डिस्टेंस नहीं है, इसका डिस्टेंस यहां तक है, ये इस फोर्सेस का लाइन ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, फोर्सेस का लाइन ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये नहीं पता है, इसका 2 मीटर ये हो गया, क्योंकि ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है। और एक चीज और मैं बताया कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट है उसको माइनस ले लेने का, और क्लॉकवाइज में जो जा रहा है उसको प्लस ले लेने का, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो डिस्टेंस है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 है और ये 2 है, तो उसके ये अगर उस तरीके से देखे तो ये क्या होगा, उसका हाइपोटेनियस होगा, अगर इस ट्राइंगल की बात करें हम तो ये क्या होगा, इसका हाइपोटेनियस होगा। तो ये BD अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर ही मैं फाइंड आउट कर दूंगा, BD अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आ गया, 4 प्लस 4, 4 कॉमन कर लें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा,
और ये 4 बाहर आ गया, 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 रूट 2 आई है, मतलब ये इतना चाहिए, ये पूरा 2 रूट 2 चाहिए, तो ये रूट 2 और ये रूट 2 होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 आ गई। डिस्टेंस मिल गया, ये भी डिस्टेंस मिल गया, ये तो BD आ गया। फिर बाद में ये मान लो M लग दिया, तो BM कितना हो जाएगा, BM हमारा क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 2 रूट 2 अपॉन 2, ये 2 को कैंसिल, रूट 2 बच गया, आ गया डिस्टेंस। अब मोमेंट एट B लिखते हैं हम, मोमेंट एट B। अब मोमेंट एट B में देखो, ये वाला तो 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, बचा कौन, ये और ये, तो ये देखो ये 20 और ये 20 कैसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, माइनस लेंगे, 20 इनटू डिस्टेंस कितना आएगी, बी तक का डिस्टेंस कितना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से ये देखिए, ये ऐसे डायरेक्शन में फोर्स है, इधर आने के लिए ऐसे कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, ये भी माइनस होगा, माइनस 5√2 इनटू डिस्टेंस कितना है, यहां से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 है, √2 मिल गया। फिर उसके बाद से ये मिला, ये इसका भी डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ये फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो माइनस 15√2, और कोई फोर्स है नहीं, ये जो फोर्स है इसी लाइन इसी पॉइंट से, ये फोर्स है इसी पॉइंट से, तो वो जीरो हो जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 20√2 माइनस 40, यहाँ पे √2 √2 मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, या 15 2 40 कितना हो गया, माइनस 80 न्यूटन में, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये आ गया एम बी। ये इस प्रकार से हम कोई भी इस प्रकार से ऐसे एग्जांपल आते हैं तो हम उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, इनको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे, मोमेंट मोमेंट मतलब सिंपल से याद रखने का, कि जिस पॉइंट पे भी हम मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, उनका मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जितने मोमेंट हो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस ले लेने का, क्लॉकवाइज को प्लस ले लेने का, ठीक है, इतना ही करना है, ठीक है, उसे आपको ये मोमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मोमेंट ये आपका मिलके आ गया एम बी पे, बी कॉर्नर पे मोमेंट ये आ गया माइनस 80 न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जितने भी इसके अपडेटेड वीडियो आ रहे हैं वो आप तक पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।